तो यार ये लैपटॉप मैंने खरीदा अपने YouTube की इनकम से। हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो आप लोग। सो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Asus की तरफ से आने वाले इस गेमिंग बीस्ट की। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं फटाफट से लैपटॉप को बॉक्स से निकालता हूँ और सारे फीचर्स आपको बताता हूँ और सारे एंगल से आपको लैपटॉप को दिखाता हूँ। भाई बॉक्स को ओपन करते ही आपको ROG रिपब्लिक ऑफ गेमर्स ज्वाइन इट का टेक्स्ट मिलता है, जो कि बहुत ही ऑसम लगता है। टेक्स्ट इसका देखो यार क्या मस्त लग रहा है। तो नीचे की साइड में आपको दिखाऊं तो देखो आपको यहाँ पे लैपटॉप आपका रखा हुआ मिलता है, जो कि ROG का लोगो दिख रहा है। यार ये ग्लोइंग लोगो होता है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे। तो लैपटॉप को पहले मैं हटा के साइड में रखता हूँ और दिखाता हूँ आपको नीचे के सेक्शंस में क्या क्या रखे हुए हैं। तो भाई ये ब्लैक मेट कलर तो यार इतना तगड़ा लगता है कि क्या ही बताऊँ मैं। लेफ्ट साइड सेक्शन में देखो तो आपको चार्जर का एडाप्टर मिलता है और अदर राइट साइड में देखो तो इसी चार्जर का हाफ अनदर पार्ट मिलता है। ये चार्जर 65 वॉट का है और यार गेमिंग लैपटॉप है, GPU वगैरह चलाना है तो यार पावरफुल चार्जर चाहिए होता है, तो यार 65 वॉट का चार्जर है। मोस्टली अब लैपटॉप्स के चार्जर तो इतने ही आ रहे हैं 65 वॉट्स के। और बैटरी बैकअप बताऊँ तो ठीक ही ठाक है बैटरी बैकअप इस लैपटॉप का, गेमिंग लैपटॉप का यार बैटरी बैकअप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप। और ये कुछ क्विक गाइड्स वगैरह हैं जिनको मैंने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं है, अगर आप पढ़ते हो तो बताओ भाई कि हाँ आप क्विक गाइड्स पढ़ते हो कमेंट सेक्शन में। तो यार ये थी इनकी क्विक गाइड्स वगैरह, इनको रखते हैं साइड में थोड़ा सा। और अब जो है बॉक्स को करते हैं क्लोज। यार बॉक्स बहुत ही ऑसम लगता है यार, देखो तो एक तरह से मतलब गजब लगता है भाई। ROG का लोगो ये जो ग्लो करता है ना यार, एकदम से मज़ा आ जाती है। तो भाई बॉक्स को रखते हैं अब साइड में और बूट करते हैं अपना लैपटॉप, देखते हैं क्या है बूट स्पीड सबसे पहले। तो यार ये देखो यार मतलब एकदम स्लीक सा लग ही नहीं रहा कि गेमिंग लैपटॉप है, एक बिजनेस लैपटॉप की तरह पतला सा है। लास्ट वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया था, आगे मैं और बता रहा हूँ। तो यार ओपन करते ही एकदम बेजललेस डिस्प्ले आपको मिलेगा और सिर्फ 21 सेकंड्स इसको लगते हैं बूट होने में। तो यार ये लैपटॉप मैंने खरीदा अपने YouTube की इनकम से। मजाक था भाई मजाक। एक्चुअली यार ये लैपटॉप मेरे फ्रेंड का प्रत्यूष का है, उसने मुझे पूछा था लैपटॉप सजेस्ट करने के लिए, तो मैंने उसको वही लैपटॉप बताया था जो मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया। तो मैंने सोचा कि उन्हें जो लैपटॉप आपको सजेस्ट करूं उसकी अनबॉक्सिंग और उसको दिखा दूं आप लोगों को, तो इसलिए ये अनबॉक्सिंग मैं डाल रहा हूं। मैंने अपने फ्रेंड से उसका पूरा रिव्यू ले लिया था और मैं आपको बताऊंगा इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, क्या क्या इसकी अच्छाई है क्या क्या इसकी बुराई है। और सबसे पहले प्रोज की बात करें तो यार इसका डिस्प्ले जो है वो 120 हर्ट्ज का है और GTX 1660 Ti Q Max है और आपको मिलता है Ryzen 7 का प्रोसेसर। और ये लैपटॉप बिल्कुल इजी टू कैरी है, बिल्कुल हल्का है, अदर गेमिंग लैपटॉप से बिल्कुल स्लीक सा लैपटॉप है। और कॉन्स की बात करें तो यार इसमें आपको कोई भी वेबकैम नहीं मिलता है, कहीं भी आपको RGB लाइट नहीं मिलती है। गेमिंग लैपटॉप में मोस्टली RGB लाइट होती है, लेकिन आपको मैटर करता है कि आपका बैकलाइट से भी काम चल जा रहा है, क्योंकि RGB जो होती है इन रेंज के लैपटॉप में वो ट्रू RGB नहीं होती है, सिर्फ ग्लोइंग RGB होती है। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो तो आई एम ओके विद बैकलाइट कीपैड। ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स, अब मैं आपको चारों तरफ से लैपटॉप को दिखाता हूँ हर साइड से कि आपको कौन से पोर्ट कहाँ पे मिलते हैं। राइट साइड में देखो तो आपको 2 USB पोर्ट और एक हीट सिंक मिलता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड देखो तो आपको लेफ्ट साइड थोड़ा सा बिजी मिलता है, जिसमें आपको एक 3.5 mm जैक वाला पोर्ट मिलता है, टाइप सी पोर्ट मिलता है, USB पोर्ट मिलता है, HDMI पोर्ट मिलता है, LAN पोर्ट मिलता है और एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है। और बैक साइड में देखो तो आपको यार Zephyrus की ब्रांडिंग और एग्जॉस्ट फैन मिलते हैं दो, जो कि एकदम फाइटर जेट वाला लुक देते हैं इस लैपटॉप को। पीछे से देखने में यार बहुत ही ऑसम लगता है लैपटॉप रियल में। तो लैपटॉप के नीचे साइड आप देखो तो यार बिल्कुल ही आराम से आप रैम वगैरह या हार्ड ड्राइव वगैरह अपग्रेड कर सकते हो, बिल्कुल इजी टू ओपन है। मैं इसे ओपन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये वारंटी वगैरह का कुछ इशू होता है यार, क्या पता ओपन करने पे वारंटी चली जाए। अगर आप कलर चॉइस सोचो तो आपको कोई कलर चॉइस नहीं मिलती है, आपको ब्लैक ही लेना पड़ता है यार, गेमिंग लैपटॉप है, मोस्टली गेमिंग लैपटॉप ब्लैक ही आते हैं सिंगल कलर में, तो यार इसमें आपको कोई कलर चॉइस नहीं मिलती है। तो मेट ब्लैक होने की वजह से थोड़े से थंब प्रिंट पड़ते हैं, लेकिन आई गेस वो ज़्यादा मायने नहीं रखता होगा आप लोगों के लिए। और चार्जर देखें हमारा जो 65 वॉट का है, तो आप उस पर देखो उस पर भी आपको ROG का लोगो मिलता है, जैसा लोगो आपको लैपटॉप पे मिलता है, लेकिन लैपटॉप का लोगो ग्लोइंग इन द डार्क है, वो डार्क में ग्लो करता है, लेकिन ये लोगो ग्लो नहीं करेगा डार्क में। सो केबल क्वालिटी जो आपको मिलती है वो काफ़ी अच्छी है, आई गेस कोई इशू नहीं आना चाहिए जल्दी। तो बैक साइड पर कुछ चार्जर्स की डिटेल्स मेंशन है, आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। सो मॉडल नंबर एंड बाकी की डिटेल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो।
तो बात करें लैपटॉप के प्राइस की, तो यार इस लैपटॉप का प्राइस फ्लिपकार्ट पे है 79,800 समथिंग, लेकिन ये मेरे फ्रेंड को यार 80,000 में पड़ गया ऑफलाइन मार्केट से उसने लिया था। तो ये लैपटॉप अपने प्राइस को बिल्कुल ही जस्टिफाई करता है। इस रेंज में कोई भी ऐसा लैपटॉप नहीं है जो आपको 6GB का ग्राफिक कार्ड के साथ साथ राइजन 7 और 120Hz डिस्प्ले विद 16GB रैम देता है। तो ये थी कुछ बातें ROG Zephyrus Z के बारे में। ये लैपटॉप मैं खुद भी लेने वाला हूँ, तो यार शायद गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह भी मैं इस लैपटॉप के बारे में डालूँ। मैंने अपने फ्रेंड को ये लैपटॉप सजेस्ट किया और फ्यूचर में मैं भी इसी लैपटॉप को लूँगा। अब Amazon, Flipkart वगैरह साइट्स खुल गई हैं, आप भी चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो इस लैपटॉप को बिल्कुल ही ईजिली। सो यार आपको जो मैंने लैपटॉप सजेस्ट किया था उसकी अनबॉक्सिंग भी मैं अपने चैनल पे लेके आया। सो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह गेमिंग से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड बनाता हूँ। और मुझे फॉलो कर लो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह पे, थोड़ी हमारी भी इंगेजमेंट बढ़वा दो यार। और हाँ भाई, एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, मेरी लास्ट वीडियो, सॉरी सेकेंड लास्ट वीडियो GTA 5 वाली पे आपने क्या ही मोहब्बत दिखाई है यार। बस यार इसी तरह इस वीडियो को भी अपना प्यार दो। और यार इस वीडियो के बाद टारगेट करते हैं यार 150 सब्सक्राइबर्स का, आप लोग यार करा दो यार, प्लीज़ यार करा दो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।